लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गरीबों का खून चूस चूस कर आपने जो दौलत जमा की है उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। You are under arrest. राजा साहब, हमने विवेक को जमानत पर तो छुड़ा दिया है, लेकिन शायद उसे बेकसूर साबित करना मुश्किल काम। एक बार वो गधा विवेक फांसी पे चढ़ जाए ना। मेरा नाम मनोहर देश पांडे है, मैं सुनील का चाचा हूँ, आज ही साउथ अफ्रीका से आया। किसकी ये करोड़ों की दौलत? किसी अनाथ आश्रम को दान दे दूं ताकि किसी भले काम में आ सके। सुबह तक जिंदा बचोगे तब तो साइन करोगे बुढ़ाऊ। अब अपना गुनाह भी कबूल कर लो। इंस्पेक्टर संभालो। अब चलो। कपूर साहब, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? पर मिस्टर राजा, यही सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कातिल का पीछा कर रहा हूँ कपूर साहब। ओह आई सी, तो कीजिए, मैं चलता हूँ। एक मिनट कपूर साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप इस वक्त यहाँ कर क्या रहे हैं? देखिए मिस्टर राजा, आपको कोई हक नहीं बनता मुझसे सवाल करने का कि मैं इस वक्त यहाँ क्या कर रहा हूँ, और मुझे कोई मजबूरी नहीं आपके सवाल का जवाब। कानूनन मैं आपको मजबूर कर सकता हूं कपूर साहब, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही यहां कत्ल हुआ है। हुआ होगा, मुझे उससे क्या करना? मिस्टर कपूर, जिस आदमी का कत्ल हुआ है ये वही आदमी है जिसने विवेक को शूटिंग की झूठी कहानी सुनाकर कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे यहां गिरफ्तार कर दिया था। अगर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता तो विवेक झूठे इल्जाम से बरी हो सकता था, लेकिन उससे पहले किसी ने उसे खत्म कर दिया। मिस्टर राजा, आप ये सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हैं? कपूर साहब, अभी अभी आपने पूछा था ना कि इस कत्ल से आपका क्या कंसर्न है? जी हाँ, वही बता रहा हूं। सुनील के असली कातिल को उसी ने मारा है जो ये नहीं चाहता कि विवेक खून के झूठे इल्जाम से बरी हो। और विवेक से मुझे ये भी पता चला है कि आप विवेक और रश्मि की शादी के खिलाफ। तो आप मुझ पे शक कर रहे हैं? कपूर साहब, कत्ल के इल्जाम में, कत्ल की तहकीकात में किसी को भी शक के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। आप अपनी मौजूदगी की वजह ना बताकर बिला वजह बात को उलझा रहे। तो मिस्टर राजा, मेरी यहां आने की वजह थी अपने एक दोस्त से, जिसका कार्ड ये इज वेरी क्लोज बाय। और एक बात जरा गौर से सुन लीजिए, तो मेरा नाम कपूर, सुरेश कपूर। मुझसे दुश्मनी देना आपको बहुत महंगी पड़ेगी। और मेरा एक और मशवरा ये भी है
कि आप जैसे शरीफ आदमी को महंगी चीजों से दूर रहना चाहिए। मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कपूर साहब, लेकिन राजा जब किसी मुजरिम की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो इस बात की परवाह नहीं करता कि दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी। टेक केयर। तुम कपूर साहब का पीछा करते रहो, वो सारे दिन कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या क्या करते हैं, इस सब बात की मुझे रिपोर्ट चाहिए। और सुनो, उन्हें जरा भी ये शक नहीं होना चाहिए कि कोई उनका पीछा कर रहा है, समझ गए ना? दैट्स गुड, टेक केयर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। सर, दिलीप साहब का पता चला? दिलीप नहीं, राजेश कहो। ना सिर्फ उसका पता चला बल्कि कल रात मैंने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन बदकिस्मती इससे पहले कि वो अपना स्टेटमेंट दे पाता किसी ने उसे भी खत्म कर दिया। ओह माय गॉड, इसका मतलब तो ये हुआ कि विवेक को बेगुनाह साबित करने का मौका हमारे हाथ से निकल गया। यस टोनी, फिलहाल ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से निकल गया। अब क्या होगा सर? विवेक, हिम्मत है मर्दा मदद खुदा, मायूस मत हो दोस्त, वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। वो तो ठीक है राजा साहब, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। दो दिन के बाद केस की तारीख है और अब तक सारे ही सबूत विवेक के खिलाफ है। लेकिन टोनी, पहली पेशी में तो फैसला नहीं हो जाता ना? वो तो आप ठीक है सर। आपको किसी पे शक है? शक तो है विवेक, लेकिन अभी तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। कुछ भी कहो, आदमी बहुत शातिर है। जाहिर है, इतने लोगों के बीच में किसी आदमी को शूट करके निकल जाने वाला आदमी मामूली आदमी नहीं हो सकता। Anyway, let's hope for the best. हम लोग चलते हैं राजा साहब। Take care. और विवेक, don't worry. Bye bye sir. हाँ जोसेफ, बोलो। हाँ? Very good. देखो जोसेफ, मैं बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो मुझे मोबाइल पर कॉन्टेक्ट करना। Okay? And keep following. That's good. देखता हूं अब वो मेरे हाथ से कैसे बचता है। इल्जाम को साबित नहीं कर पाए तो वो आप पर मानहानि का मुकदमा कर सकता है। जानता हूं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, मैंने एक ऐसी तरकीब सोची है कि उस पर इल्जाम लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। मोहरा हम किसी और को बनाएंगे और फंसेगा वो खुद, यानी कि वो खुद ब खुद मजबूर हो जाएगा अपना गुनाह कबूल करने के लिए। मुझे तो यह काम इतना आसान नहीं लगता है। वेरी ट्रू, काम आसान तो नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन इंपॉसिबल भी नहीं। ठीक है, तो फिर क्या तरकीब सोची है आपने? एक मिनट, मेरे नजदीक आइए। नमस्कार। देखो, कोई अजनबी हमारे साथ रिश्ता जुड़े ही हमें बिल्कुल पसंद नहीं, खासतौर से ऐसे आदमी के साथ जिसके साथ फ्यूचर में कोई रिश्ता जोड़ने की संभावना।
क्या यही बात कहने के लिए मुझे आपने यहां बुलाया था कपूर साहब? नहीं, तुमसे बहुत सी बातें कहनी। बैठो। देखो विवेक, तुम रश्मि के साथ मिलना जुलना बंद कर। मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कपूर साहब कि आप रश्मि को मुझसे मिलने से मना कर दें। बहुत बार मना किया, लेकिन वो बेवकूफ लड़की मानती नहीं। देखो विवेक, तुम एक समझदार लड़की, तुम जानते हो कि तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। ये पहले भी नामुमकिन था और फिर कत्ल का इल्जाम लगने के बाद और ज्यादा नामुमकिन है। कल मुझ पर जो कत्ल का इल्जाम लगा है कपूर साहब, वो झूठ है। किसी ने मुझे फंसाया है। देखो विवेक, ये इल्जाम सच्चा है या झूठा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हें चुटकी मारकर इस इल्जाम से बचा सकता हूं। और यह भी जानता हूं कि राजा और टोनी तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो कामयाब होंगे या नहीं? और मुझे इस बात की गारंटी है कि आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मेरी पहुंच बहुत ऊपर है। राजा और टोनी जैसे लोगों को तुम्हें अपनी जेब में रखना। मैं तुम्हें एक सुनहरी ऑफर करता हूं। मैं अपनी पोजीशन और दौलत का इस्तेमाल करके तुम्हें एक हफ्ते के अंदर इस इल्जाम से बचा लूंगा। ऊपर से 10,00,000 रुपए और दूं। बदले में तुम्हें रश्मि को सिर्फ ये कहना है कि तुम इसके साथ शादी नहीं करना और मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कपूर साहब, लेकिन आपकी ऑफर में कबूल नहीं कर सकता। हेलो कपूर साहब, मैं राजा बोल रहा हूं। कहिए कपूर साहब, कल शाम मैंने अपने गेट टुगेदर रखा है, मैं चाहता हूं कि आप उसमें शिरकत करें। मैं? लेकिन देखिए कपूर साहब, ना मत कहिएगा, यह किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैंने टोनी, रश्मि और विवेक और इंस्पेक्टर को भी यहां बुलाया है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच कपूर साहब, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, आज आप सब लोगों के दिलो दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि मैंने आप सब लोगों को यहां क्यों बुलाया। दरअसल आज मैं एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम के चेहरे से शराफत का वो नकाब हटा देना चाहता हूं जो वो सबके सामने लगाए घूमता रहता है। सॉरी फ्रेंड्स, आज मैं खतरनाक मुजरिम के चेहरे से शराफत का वो नकाब हटा देना चाहता हूं जो वो सबके सामने लगाए घूमती रहती है, क्योंकि मुजरिम है मिस रश्मि कपूर। हाँ? क्या बोल रहे हैं राजा साहब? क्या आप पागल तो नहीं हुए? पागल तो आपकी बेटी ने समझ रखा था हम सबको। दरअसल राजेश और दिलीप को गोली रश्मि ने ही मारी है, इस बात के पक्के सबूत हैं हमारे पास। क्या बकवास कर रहे हैं आप? भला मैं क्यों गोली मारने लगी राजेश को? क्योंकि उसने तुम्हारे प्रेमी विवेक को सुनील के कत्ल के इल्जाम में फंसाया था। जिस दिन विवेक जेल गया उसी दिन तुमने कसम खा ली थी कि तुम दिलीप से बदला लेकर रहो। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। ये सत्य है, क्योंकि वो सारे सबूत उस फाइल में मौजूद हैं जो इंस्पेक्टर के पास है। राजा साहब ठीक कह रहे हैं, सारे सबूत रश्मि के खिलाफ है। राजा साहब ये क्या कह रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। ये क्या पागलपन है? इंस्पेक्टर, तुम मेरी बेटी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कपूर साहब, बेहतर होगा कानून के काम में दखल अंदाजी ना करें, प्लीज। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर। राजा जी, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया, प्लीज। रश्मि को छोड़ दो इंस्पेक्टर, खून रश्मि ने नहीं मैंने किया है। राजेश का कातिल मैं हूं, मैं। इंस्पेक्टर, रश्मि को छोड़ दो, हमारा काम हो गया। टोनी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। I'm sorry, Miss Rashmi, Mr. Kapoor. थोड़ी देर के लिए जो आपको तकलीफ हुई
उसका मुझे अफसोस है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कपूर साहब। दरअसल टोनी बचपन से ही रश्मि से बहुत ज्यादा प्यार करता था और ये सब उसने रश्मि को पाने के लिए किया था। क्यों टोनी? हाँ, मैं रश्मि को बचपन से प्यार करता हूँ। पागलपन की हदों तक छू जाने वाला प्यार। मैंने कई बार अपने प्यार का इजहार रश्मि के आगे करना चाहा, पर दिल की बात जुबान पर नहीं आ सकी। उधर रश्मि की जिंदगी में विवेक आ गया, वो विवेक से प्यार करने लगी। मैं मन ही मन जलता रहा, पर इसकी भनक ना विवेक को हुई ना रश्मि को। वे मुझे अपना सच्चा दोस्त समझते रहे। मैं विवेक को अपने रास्ते से किस तरह से हटाऊं ये सोच ही रहा था कि मेरी मुलाकात अपने कॉलेज के जमाने के दोस्त राजेश से हो गई। मुझे एक हमराज की जरूरत थी। मैंने अपने दिल की सारी बात राजेश के आगे बताई। राजेश ने मुझे बताया कि वो अपने चचेरे भाई सुनील की दौलत हासिल करना चाहता है और उसने मुझे एक प्लान बताया। और उस प्लान की बुनियाद थी विवेक और सुनील का एक्टिंग का शौक। उस प्लान से राजेश ने सुनील को और टोनी ने विवेक को अपने रास्ते से हटा दिया। ओह माय गॉड, टोनी जैसा सीधा साधा आदमी ऐसी हरकत कर सकता है? ये तो मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता। वैसे मिस्टर राजा, आपको ये शक कहां से हुआ? दरअसल कल टोनी और विवेक मेरे घर में आए थे। बातों ही बातों में टोनी के मुंह से निकल गया कि सबकी मौजूदगी में राजेश को शूट कर देने वाला कोई मामूली आदमी नहीं रहा। मुझे बात थोड़ी सी खटकी क्योंकि मैंने टोनी और विवेक को यह बताया था कि किसी ने राजेश को खत्म कर दिया है। यह नहीं बताया था कि उसने चाकू से खत्म किया है, गला घोट कर खत्म किया है या शूट किया। बस उसी शक की बुनियाद पर मैं और रेंचो कल टोनी के घर की तलाशी लेने के लिए चले गए। जैसे घर में मैं एंटर हुआ तो मुझे हैरत हुई क्योंकि घर की हर दीवार पर छोटे बड़े रश्मि के पोर्ट्रेट लगे हुए थे और उन पोर्ट्रेट्स के साथ लिखा हुआ था, रश्मि आई लव यू। बस कपूर साहब, बात मेरी समझ में आ गई और मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे अभी तक यकीन नहीं होता, टोनी ऐसा कर सकता है। राजा साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कम ऑन विवेक, इट्स ऑल राइट। मान सको तो मेरी एक बात मान लो दोस्त, अपने सर से एक्टिंग वैक्टिंग का भूत उठाकर फेंको, कानपुर जाकर अपने डैडी के लेदर के बिजनेस में हाथ बटाओ। जी हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड विवेक। अगर तुमने ऐसा किया ना विवेक, तो मुझे 100% यकीन है कि कपूर साहब अपनी बेटी रश्मि का हाथ तुम्हारे हाथ में बखुशी दे देंगे। क्यों कपूर साहब? आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर राजा। वैसे भी मैं अपनी बेटी की शादी किसी फिल्मी स्ट्रगलर से करने के खिलाफ, लेकिन एक करोड़पति बिजनेसमैन के बेटे मेरा मतलब है विवेक के खिलाफ। वाह 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 कपूर साहब, बहुत बहुत बधाइयां। कंग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस भाई। टोनी, तुम करो जेल जाने की तैयारी और हम और आप? हम और आप कहां जाएंगे? अरे भाई, जाएंगे कहां, विवेक और रश्मि की शादी में।